आज का हमारा यहाँ पर इकट्ठा होने का एक ही मकसद है, यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं तो इनके जो बच्चे यहाँ पर एक पीएस दूंदी में पढ़ रहे हैं बच्चे, तो एक टीचर ने आज खुर्शीद नाम का टीचर है यहाँ पर जिनकी ड्यूटी है, उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा कि हमें बच्चों का ये वीडियो बनाकर भेजो, उनके हाथ में कॉपी और पेन पकड़ाओ वीडियो भेजो। तो हमने पूछा भाई वजह क्या है, ये वीडियो क्यों भेजना है? उन्होंने कहा कि ये वीडियो इसलिए भेजना है कि हमने सीओ साहब को भेजना है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। आप मुझे बताएं बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं जब ना बच्चों को ऑनलाइन क्लासें हुई है, 3 साल से ये इन्होंने ड्रामा बना के रखा है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, वीडियो बना बनाकर हम भेज रहे हैं, कोई जो बेचारा जिसको पता ही नहीं है तो वीडियो बनाकर तो भेज रहे हैं लेकिन बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं ना हमने कभी। और मिड डे मील स्कीम के तहत बच्चों को कभी इन्होंने चावल केजी मिलता या 200 ग्राम मिलता वो भी खा लेते हैं, ये इनके पास जो फंड स्कूल के लिए आती जो वो भी खा लेते हैं, तो हमें बेवकूफ बना के रखा हुआ बच्चों को अलब्बे। आप देख सकते हैं ये बच्चे लाइन में लगे हुए हैं, आप किसी को अलब्बे और पूछो, ये 5th क्लास का बच्चा है, इसको पूछो जरा नाम क्या है आपका। नाम आपका क्या है? आमिर। कहाँ रहती हो? कठियूर। डिस्ट्रिक्ट कौन सा पढ़ता है आपका? किस क्लास में पढ़ते हो आप? तीसरी में। आपके फादर नाम, फादर जी का क्या नाम है, पिता का क्या नाम है? जो है ये देखो है ना, बच्चा ऑनलाइन पढ़ सकता है ना हमारे, जिस बच्चे को अपने स्कूल का नाम नहीं आता है भैया वो कहाँ से ऑनलाइन पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा? और मुझे कहते हैं तो ये अपने बच्चों को पढ़ा जी, मुझे खुद पढ़ना नहीं आता, मैं बच्चे को क्या पढ़ाऊंगा? हाँ, टीचर किस लिए लगाए आता है? मैं मिडिल पास हूँ, 2001 में मैंने मिडिल पास की है, मिडिल पास हूँ, लेकिन मिडिल पास क्या पढ़ाएगा बच्चे को? और बोलते हैं डिजिटल इंडिया बनेगा, इतना टॉप सिलेबस है कि उसका समझना ही हमारी समझ से बाहर है। जो टीचर 60,000 रुपए गवर्नमेंट की पे ले रहा है वो नहीं पढ़ाएगा, मैंने मिडिल पास किए 2001 में, मैं भाई स्कूल की बात ही नहीं, किसी भी स्कूल में चेक कर लें, ए टू जेड पूछो उसको, ए टू जेड क्या होता है? 1-2 ए टू जेड 1-2 होता है, 1-2 होता है। बच्चा देखो जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, हरदेव मनाज बोल रहा हूँ मैं, पत्रकार सर। हाँ जी, हाँ जी बताइए। सीईओ रामन बोल रहे हैं? हाँ जी जी सर। सर ये एक मसला है, ये जोन बटोत ही पड़ता होगा शायद, ये कमेत एरिया है राजगढ़ तहसील, वहाँ पे एक वीडियो वायरल हो रहा है और उस वो हम तक भी पहुंचा है, उसमें ये कहा जा रहा है बच्चों के पेरेंट्स को कि वीडियो बनाकर भेजें जिसमें बच्चे पढ़ते हुए मतलब वो वीडियो बनाए उनके पेरेंट्स, और टीचर उनको फोर्स कर रहा है कि वो हमें भेजो, हमने किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप में डालना है, तो क्या है इसका फंक्शन? और लोगों ने इसके पीछे ये कहा कि ये तो एक सरासर फ्रॉड नजर आता है, अगर स्कूल्स बंद है और ऐसे मसले पे वीडियो बनाने का क्या फंक्शन, और पेरेंट्स कैसे वो कर पाए, और जहाँ की गरीब पेरेंट्स के पास कोई ये सहूलियत नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो ये एलिगेशन लगाए कि ये फॉर्मेलिटी के तौर पर टीचर्स क्यों मतलब पेरेंट्स से ये वीडियो मांग रहा है बच्चों को पढ़ते हुए घरों में। चलिए हम पता करेंगे, इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, कोई बात नहीं, मैंने नोट कर लिया। हाँ, ये कोई खुर्शीद अहमद टीचर है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल दूंदी, अच्छा अच्छा, तहसील राजगढ़, पंचायत कमेत वार्ड नंबर 1 से ये मामला सामने आया है। अच्छा अच्छा, आप एक काम करें ना, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर वो आप भेज दीजिए ये। अच्छा जी, मैं इसमें इन्वेस्टिगेशन करा दूंगा क्या इशू है। जी जी जी, तो क्या ये कोई क्या है सर इसमें, मतलब आपकी क्या गाइडलाइंस हैं टीचर्स को, टीचर्स के लिए कि क्या ये घरों में? जी देखिए, गाइडलाइन तो यही है कि ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना है जी, ऑनलाइन ही, क्योंकि अभी तो स्कूल बंद है जी, इस वक्त जो भी इनिशिएटिव्स हैं वो ऑनलाइन ही, और कोविड की वजह से तो ये मैंडेटरी है कि ऑनलाइन एजुकेशन करवानी है, स्कूल बंद है, स्कूल में तो एजुकेशन नहीं हो सकती है अभी। जी जी जी, लेकिन टीचर्स जब तक ना वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाए, अभी तो 15 से 17 के बच्चों का ही वैक्सीनेशन हो रहा है जी, लेकिन ये इशू के मतलब पेरेंट्स को मतलब कहा जाता है कि आप वीडियो बनाओ, ये करो वो करो, वो तो मतलब मेरी नॉलेज से बाहर है।
जी जी मैं इस पे इन्वेस्टिगेशन करा दूंगा, कोई बात नहीं। वही ना, इस पे मतलब ये क्या प्रोसेस है, एक वीडियो बनाओ, घर में पेरेंट्स वीडियो बनाए बच्चों को पढ़ाते हुए, वो वीडियो टीचर्स को सेंड करें, तो इसके पीछे क्या वजह है, मतलब क्या है, क्या क्या गाइडलाइंस है हायर अथॉरिटी? नहीं, इसमें कोई ऐसा मतलब ये नहीं, ये कोई ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि ऐसा वीडियो बनाना है जी, बल्कि मतलब वो ऑनलाइन एजुकेशन देनी है टीचरों को, बच्चों को जी, हाँ बच्चे के पेरेंट्स को नहीं इन्वॉल्व करना है ऐसे। हाँ ये पूछ सकते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं जी। अब ये वीडियो मतलब बनाने की कोई डायरेक्शन नहीं है सर। जी जी जी, तो एक तरफ सर एक तरफ तो ये भी कहा जाता है और कई रिसर्च में ये पाया गया है कि 18 साल तक के बच्चों को मोबाइल्स के वो रेडिएशन से बहुत उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है, और इसके अलावा कई पेरेंट्स तो मोबाइल है ही नहीं उनके पास, कईयों के पास है तो एक मोबाइल है, वो कहाँ घर में रखे, कहाँ फैमिली के पास रखे, कहाँ बच्चों के पास रखे। नहीं, आपका कहना सही है। आप ऐसा ऐसा है कि इस वक्त तो स्कूल बंद है, तो जब स्कूल खुल जाते हैं तो उस वक्त हम प्रिंटेड मटेरियल भी बच्चों को दे जाते हैं, घरों में ही दिया जाता है प्रिंटेड मटेरियल भी, अगर इनके वो ऑफलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए किसी वजह से जी। और साथ में मतलब जिनकी वैक्सीनेशन हुई हो उनके क्लासेस अब स्टार्ट होंगे, जैसे डायरेक्शन होगी कोविड की गाइडलाइन होगी उसके हिसाब से होंगे। अच्छा, हाँ जी हाँ जी, ये प्रिंटेड मटेरियल मतलब प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को? हाँ, प्रिंटेड मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, जैसे जब स्कूल खुले थे तो एक तो ऑनलाइन एजुकेशन भी हो रही थी और प्रिंटेड मटेरियल भी जी, तो कहीं पर कम्युनिटी क्लासेस भी चलाए जाते हैं। फिर उसके बाद जो कोविड में स्पाइक हुआ था तो कम्युनिटी क्लासेस को मतलब पोस्टपोन किया गया था, उनको बंद किया गया था फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि ऊपर से डायरेक्शन आई थी कि अभी कम्युनिटी क्लासेस स्टार्ट मत करें आप। जी जी जी, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। जी जी, आज क्या हॉलीडेज हैं स्कूल्स में? तो रामबन में तो रामबन तो पूरा विंटर जोन है ना, यहाँ तो हॉलीडेज चल रहे हैं, विंटर हॉलीडेज है, विंटर वेकेशन। फिर भी हमने टीचरों को कहा था कि बच्चों को एंगेज रखने के लिए इनको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते रहे जी, ताकि इनको किसी किस्म का नुकसान ना हो। जी 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 जी, इसके अलावा सर ये नहीं हो सकता, जैसे मान लो कहीं किसी मोहल्ले में कहीं टीचर देखे बच्चों को, चेक करे, थोड़ा सा अवेयर करे, पेरेंट्स को भी जाए वहाँ पर? नहीं नहीं, वो तो करते रहते हैं, वो तो जाते रहते हैं, वैक्सीनेशन भी हो रहा है और वो भी अवेयरनेस भी दे रहे हैं जी। हाँ ये जरूर है कि वो जो मतलब एक मतलब ये ना इनिशिएटिव है मतलब पढ़ाई का, इस वक्त वो पढ़े भारत, इस सिलसिले में शायद किसी टीचर ने मत कहा होगा वीडियो बनाने के लिए कि बच्चा रीड कर सकता है कि नहीं, बस अच्छा उसका कहा होगा। हाँ वो एक इस वक्त वो इनिशिएटिव है पढ़े भारत जी, वो इसलिए रखा गया है ताकि बच्चों को पढ़ना आना चाहिए जी, तो पहले टीचर ऑनलाइन एजुकेशन उनको प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद देखेंगे रीडिंग स्किल कितना है इनमें। जी जी जी, लेकिन शायद उस सिलसिले में ये जब इन्वेस्टिगेशन होगी ना, हम पता करके आपको बता देंगे डिटेल। अच्छा, मैं इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता हूं, और वहां पे लोगों ने एलिगेशन लगाए और उसकी पूरे विजुअल मेरे पास मौजूद है। इस मसले पे मैंने कहा कि एक तरफ तो इतना कोविड की वजह से और दूसरी तरफ मतलब पेरेंट्स को वो किया जाता है जी आप वीडियो बनाकर भेजें, तो मैंने कहा मैं सीओ रामन से पूछता हूँ इस बारे में। ठीक है, हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, इसमें क्या इशू है तो कोई बात नहीं। ठीक है, मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेजता हूँ। ठीक है ठीक है, ओके। आप घर में ही हो ना? हाँ घर में हूँ, तो डालो ना यार, आपको क्या फोटो शोटो कुछ वीडियो डालो मुझे बच्चों। कोई बात नहीं, हम आपको वीडियो भी डालेंगे, ऐसी बात नहीं है। आपके बच्चे थोड़े होशियार है ना, वो जमीन और दूसरी वो लड़की। और कुछ नहीं है जी, बच्चे होशियार होते थे तो हमको इतनी दर्द नहीं। वो नहीं बोला, आप देखो हफीज है, वो भी बेचारा कोशिश कर रहा है। वो क्या कर रहा है, भेज रहा है वीडियो? हाँ वो भेज रहा है, और खाली वीडियो भेज रहा है ना, बाकी हो नहीं कुछ रहा है। वो साला वो भी, मैं कहा यार कुछ कुछ कोशिश करो, बच्चों को आपके सामने बिठाओ, किताबें निकालो, कुछ लिखे कुछ पढ़ेंगे, थोड़ा सा तो बनेगा ना, नहीं तो ऐसे ही बेचारे बिल्कुल ही खेल देंगे, पीछे चले गए। ये वो तो सही बात है। ठीक है, चलो ठीक है।